नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूं टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CRPF और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने 31 कर्मियों को परम विशिष्ट सेवा पदक और 4 कर्मियों को उत्तम युद्ध सेवा पदक और 2 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं। साथ ही 57 कर्मियों को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। बतौर UPSC अध्यक्ष मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में खत्म होना था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को टेन्योर खत्म होने से 4 साल पहले ही इस्तीफा सौंप दिया है। मनोज सोनी ने 2017 से UPSC सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद 16 मई 2023 को UPSC अध्यक्ष पदभार संभाला था। इससे पहले वे गुजरात के 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दायरा बढ़ने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र UPSCR के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। UPSCR में लखनऊ समेत आसपास के 6 जिलों हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इससे राज्य की राजधानी लखनऊ में भीड़भाड़ कम होगी, साथ ही UPSCR में शामिल जिलों में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा में भर्ती के समय OBC वर्ग के लोगों को आयु से मिलने वाली 5 साल की छूट खत्म कर दी है। शुक्रवार को भजनलाल सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में राजस्थान पुलिस सेवा संशोधन नियम 2024 के तहत पुलिस सर्विस में OBC वर्ग के 5 वर्ष आयु आरक्षण को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त करने का आदेश दिया गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद GEP लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसके जरिए राज्य सरकार पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। इससे लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समय समय पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में लोगों के योगदान का आंकलन कर सरकार को भविष्य में राज्य के विकास की नीतियां बनाने में मदद मिल सकेगी। GEP लॉन्च करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और मेट्रो के आसपास साफ सफाई रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। DMRC ने जापान की रीसाइक्लिंग फर्म यामानाशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड JIT के साथ मिलकर ई कचरा रीसाइक्लिंग बॉक्स लॉन्च किया है। ई रीसाइक्लिंग बॉक्स को दिल्ली की 15 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनों पर इंस्टॉल किया गया है। इसके जरिए प्रिंटर से आई की बोतलों और कार्टेज के अलावा अन्य ई कचरे को रिसाइकिल किया जाएगा। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए BBA, BCA, BCom और BJMC में दाखिले लिए जा रहे हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम MBA और MCA के लिए भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र टेक्निया इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र कॉलेज आकर दाखिले से संबंधित विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। शनिवार को NTA ने NEET UG 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 18 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NTA ने रिजल्ट का ऐलान किया है। रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज घोषित किया गया है। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई 2024 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में 23,33,000 से अधिक उम्मीदवार ने भाग लिया था, जिसमें से कुल 13,16,268 उम्मीदवार पास हुए। श्रीलंका के दाम्बुला में चल रहे महिला T20 एशिया कप में भारत ने जीत से शुरुआत की है। भारतीय टीम ने अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी मात दी है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम 19वें ओवर में ही सिमट गई और भारत को 109 रनों का लक्ष्य दे सकी, जिसे जवाबी पारी में भारत ने 15वें ओवर की पहली गेंद खेलकर ही पूरा कर लिया। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 14वां सीजन आने वाला है। शो 27 जुलाई से टेलीविजन पर टेलीकास्ट होना है। शो में शालिन भनोट, अभिषेक कुमार, आसिम रियाज, करणवीर मेहरा, कृष्णा श्रॉफ और सुमोना चक्रवर्ती समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं। शो की शूटिंग रोमानिया में की जा रही है। शो की होस्टिंग फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कर रहे हैं। रोहित शेट्टी इससे पहले 6 बार खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो की होस्टिंग कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।